इस्लामाबाद में 5 से 17 अक्टूबर तक फौज तैनात होगी। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत मंजूरी दे दी है। पाक फौज के दस्ते ज़िली इंतजामिया के साथ अमन व अमान कायम रखने में मुआवनत फराहम करेंगे। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताते चलें इस हवाले से मजीद भी, खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद। खुर्रम मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, ऐसे ही नहीं कि इस्लामाबाद में फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है और इस बार से वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसमें बताया गया कि फौज को यहाँ पे इस्लामाबाद में तैनात किया जा रहा है, जो 5 से 17 अक्टूबर तक फौज की तैनाती यहाँ पे रहेगी। और इस बार से वफाकी काबीना ने इसकी बाकायदा मंजूरी दी है कि 5 से 17 अक्टूबर तक फौज ज़िली इंतज़ामिया के साथ अमन व अमान कायम रखने के लिए मामलत करेगी, जबकि आइन के आर्टिकल 245 के तहत वफाकी काबीना ने फौज को तैनात करने की मंजूरी दी है। और इस वाले से वज़ारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जबकि गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौज तैनाती के हवाले से आगाह भी किया था और जनरल की मंजूरी के बाद फौज की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इस वजह से फौज की तैनाती जो है वो इस्लामाबाद में कर दी गई है। कबल अजी यहाँ पे इस्लामाबाद में और इसके जुड़वा के रावलपिंडी में सियासी जमात के एहतजाज के पेश नज़र मोबाइल सर्विस को भी बंद किया गया था। तमाम अब मुख्तलिफ इलाकों से मालूमात जो मिली हैं उन मुताबिक मोबाइल सर्विस को भी बहाल कर दिया गया है। जी खुर्रम, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया।